बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर देखिए मैंने हमेशा की तरह पहले से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट शैडो, मिसी हाई है मैंने हाइट लिखा हुआ है इसको, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द सेम टाइम, उसी टाइम हमें फाइंड करने द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की लेंथ हमें फाइंड करनी है जो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, एक पोल है उसकी जो हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, उसकी शैडो की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता लगी गया होगा यहाँ पर जो हाइट गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है और जो हमें फाइंड करनी है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मीन्स जो पोल की हाइट है वो इंक्रीज हो गई, काफ़ी इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो शैडो होगी उसकी भी लेंथ की लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके का पोल देखिए, ऐसे पोल होते हैं इलेक्ट्रिक पोल हो, कोई भी ऐसा पोल बनाया जाता है, और जो सन की रेज होती है वो अगर इस पर पड़ती है तो उसकी शैडो नीचे ग्राउंड में बनती है। ठीक है बच्चों, और उसी टाइम का मतलब कि उसी समय एक अनदर पोल है उसकी हमें फाइंड करनी है। क्यों उसी टाइम क्यों लिखा है इसमें, फाइंड द सेम टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि सन जैसे ही देखिए अर्थ घूमती है तो इस शेडो में डिफरेंस होता चला जाएगा, कभी छोटी, ठीक है दोपहर के टाइम बिल्कुल छोटी हो जाएगी, सही इवनिंग में टाइम में फिर लेंथ हो जाएगी। आइए बच्चों देखिए करते हैं कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, ये यहां पर मान लीजिए एक्स मीटर होती है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टेबल आप बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और एक तरफ लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, ठीक है एक तरफ लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब हाइट ऑफ पोल है अपने पास 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ बननी है शैडो की वो बननी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमें जो फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें जो फाइंड करना वो लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है शैडो की लेंथ, ये हमने एक्स मान ली है। ठीक है बच्चों, और जो हाइट ऑफ पोल गिवन है वो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करने का तरीका वही कि आपको जो रेशो लिखना वो हाइट का लिखो पहले, जो पोल की हाइट है उसका रेशो लिखेंगे 5। ठीक है, अब मीटर की जगह मैं पॉइंट लगा दे 5.60, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 5.66 तक लिखो या 60 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये मीटर में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए रेशो, अब ये दूसरा 10.50 इक्वल, अब लेंथ का रेशो 3.20 रेशो एक्स। ठीक है बच्चों, करने का तरीका वही होगा जो हमने अभी तक पहले किया है। ठीक है, एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लिकेशन 5.60 इंटू एक्स इक्वल 10.50। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3.20। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, 10.50 इंटू 3.20 और इधर 5.60 मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देख सकते हैं, देखिए इसको हम करेंगे, इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो हटा देते हैं, इसी को हम कर लेते हैं, 0 से 0 आप पहले रिड्यूस कर दीजिए, काट दीजिए। और अब देखिए 8 की टेबल में आता है, 8 4 जा 32 और 8 7 जा ये आ गया। ठीक है बच्चों, 56। अब 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 से, अब 7 से डिवाइड करने के लिए या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है 5
जीरो और सेवन से देखिए क्या आएगा, सेवन हंजा सेवन माइनस कीजिए थ्री, आगे देखो डेसिमल आ गया पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे और ये फाइव, यहाँ पे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, ये फाइव मैं बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है ये फाइव माइनस किया, आगे जीरो है, जीरो नीचे डाउन करेंगे तो जीरो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, तो इसको सेवन से डिवाइड करने पे कितना आ गया 1.50, ठीक है बच्चों आइए मल्टीप्लाई करते हैं 1.50 इंटू फोर, ठीक है बच्चों आइए इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यहाँ लिख देते, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ये देखें जीरो यहाँ पे यू क्यों लगाए, ये जीरो है ना वन जीरो, तो वन जीरो यू क्यों लगाए, यहाँ पे समझो पॉइंट नहीं है, एक मिनट के लिए समझ लिए नहीं है पॉइंट, तो ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, 15 4 से क्या होता है 60, ये देखिए, ठीक है बच्चों यहाँ पर टू डिजिट के बाद डेसिमल आया तो आप भी टू डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, मीन 6 ये मीटर, तो आप लिख सकते हैं 6 मीटर, ठीक है बच्चों आप अगर चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं द हाइट ऑफ पोल, यहां पर मैं लिख देता हूं, आइए यहां पर लिख देता हूं मैं द हाइट ऑफ पोल इक्वल 6 मीटर, हाइट ऑफ पोल, ठीक है हाँ 6 मीटर समझ में आ गया, सॉरी द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट, सॉरी फर्स्ट वाले में द लेंथ ऑफ पोल, ये देखिए हाँ ये गलती से सेकंड पार्ट का लिखा गया, फर्स्ट का हमें लिखना है, ये जो आंसर है ये फर्स्ट का आया है तो लिखा द लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है बच्चों यहाँ पर लिखेंगे द लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 6 मीटर, ठीक है बच्चों ये आ गया, आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में हम इसको करेंगे तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है बच्चों आइए इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहां पर अब आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि किस कपड़े से इरेज कर रहे हैं, ठीक है कि घरेलू एक कपड़ा है तो उसी से हम इसको इरेज कर रहे हैं, आइए सेकंड पार्ट हम करते हैं, देखिए यहां पर सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है बच्चों ये लिख लेते हैं, अब देखिए टेबल बना लिया आपको, फिर टेबल बना लीजिए जो गिवन है वो और जो हमें फाइंड करना उसको लेंगे, अच्छा ये देखिए जो आंसर निकला था उससे भी ये निकल सकता है, आइए हम फाइंड आउट करते हैं, यहां पर सबसे पहले हाइट ऑफ पोल लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल और यहां पर लेंथ ऑफ शैडो, हाइट ऑफ पोल, ठीक है हाइट ऑफ पोल यहां पर देखो जो गिवन में 5 मैं डेसिमल बना के लिख दे 5.60 मीटर, ठीक है बच्चों इसकी जो शैडो आ रही है वो आ रही है 3.20 मीटर, ठीक है बच्चों और हमें जो फाइंड करनी है वो हाइट फाइंड करनी है, ये वाली ये एक्स मान लीजिए और शैडो कितनी आ रही है 5 मीटर, ठीक है बच्चों 5 मीटर, अब करने का तरीका वही होगा, ठीक है बच्चों यहां पर रेशो ऑफ हाइट ऑफ पोल 5.60 रेशो एक्स, ठीक है इक्वल फिर यहां पर शेडो का 3.20 रेशो 5, फिर वही तरीका, ठीक है बच्चों जो इंटरनल टर्म है उनको अलग मल्टीप्लाई कीजिए 3.20 इंटू एक्स इक्वल का साइन, जो एक्सटर्नल टर्म है उनको अलग कर लेते हैं 5.60 इंटू 5, अब ये दे 3.20 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, आइए इसको जल्दी से हम कर लेते हैं, देखिए एक इतना करने के बाद अब आप देखिए इसमें टू डिजिट के बाद डेसिमल, इसमें टू के बाद इसमें इनको हटा देते हैं, जीरो से जीरो आप रिड्यूस कर दीजिए काट दीजिए, अब एट की टेबल में आ रही है 8 4 जा 32, 8 7 जा 30 और 8 7 जा 56, ठीक है 7 into 5 7 5 जा 35 by 4, अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए ये आपका आंसर आ जाएगा 4 8 जा 32, माइनस किया 5 में से 2 माइनस कीजिए 3, आगे कोई डिजिट है तो हम डेसिमल लगा के 0 हम नीचे लगा लेते हैं, ठीक है 4 7 जा 28
ये 28 माइनस किया 2 ये 0 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो आपका आंसर आ गया 8.75 मीटर। ठीक है, आइए इसको और तरीके से लिखना हो तो अच्छे से लिखना हो तो नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल होगी, अब ये लिखा ना 8, ये तो हो गया मीटर, पॉइंट से आगे वाला मीटर और पॉइंट के पीछे वाला सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर ये उस जो पोल है उसकी हाइट होगी। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, और बच्चों यदि पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए, इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सिखाना। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।